तू इतने दिनों से झूठ बोलती रही। You lied to us. It's not that, you know. रेव, मेरे पास कुछ reasons थे, मैं नहीं बता पाई। जिस दिन साहिर अरेस्ट हुआ था, तब तो उसे डेट कर रही थी। नहीं, I swear. फिर कब? उसके बाद। Immediately बाद? Just makes it worse. क्योंकि यहाँ तूने हमें promise किया था कि तू साहिर से दूर रहेगी और वहाँ जाके तूने साहिर को commitment दे दी यार। ईशा, you broke your promise. Sisterhood का promise. आप ले हाँ ईशा जैसे। मैं खबर तक नहीं लगने थी कि तेरा और साहिर का अफेयर ऑन। टिंग टॉंग, फ्लैशिंग न्यूज़। अफेयर ऑन नहीं है, अफेयर था। ब्रेकअप का प्रोसीजर तो बस जस्ट फिनिश ही हुआ है। पूछो। अफेयर है, अफेयर था, ब्रेकअप, पैचअप, इतनी सारी चीजें हो गई और हम क्लूलेस इडियट्स की तरह बस बैठे रहे। I'm so sorry. तुम भी मैं सॉरी कि तू साहिर को डेट कर रही है। साहिर, दैट लूजर, दैट चीट वुमन ईटर। पता नहीं उसने कितनी सारी लड़कियों के लिए मुझे छोड़ दिया, ईशा बीइंग वन ऑफ देम, और ना जाने कितनी और लड़कियों के लिए वो ईशा को भी छोड़ देगा। बस एक ईशा है जो साहिर को नहीं छोड़ना चाहती। इनफ मेघा, जस्ट स्टॉप। ओके, साहिर ने जब चीट किया था हम साथ में नहीं थे, हम कमिटेड नहीं थे, वो पास्ट था और मुझे पास्ट इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। ठीक है, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यू श्योर तुम्हारी इन बीएफएफ्स के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है? आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। रेव, यू हैव नो आइडिया मेरे लिए कितना मुश्किल था तुम लोगों को सच बताना साहिर और मेरे बारे में। आई हैड अ रीजन गाइस, एंड वी हैड अ वैलिड रीजन टू डिसलाइक साहिर। मैं बताने ही वाली थी। आई स्वेयर मैं सही टाइम पे बताने वाली थी। आई जस्ट कांट टेक दिस एनीमोर। आई जस्ट कांट टेक दिस एनीमोर। डोंट, जस्ट डोंट। फ्रेंडशिप का पिलर है ट्रस्ट, और उसी पिलर को मैंने किक मारकर गिरा दिया। जिया एंड रेव का ये रिएक्शन एक्सपेक्टेड था, एंड इसी रिएक्शन के डर से आई लाइड अबाउट साहिर। मैंने ट्रस्ट तोड़ा। आई एक्सेप्ट, ट्रस्ट बनाने में सेंचुरीज लग जाती हैं, बट टूटने में एक सेकंड। और अगर तोड़ कर दोबारा बिल्ड करना हो, वेल ओनली गॉड नोज कितना टाइम। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ट्राई एंड ट्राई अगेन। मेड योर फेवरेट स्पैनिश ऑमलेट है। रेव, स्पैनिश ऑमलेट है, यू लव स्पैनिश ऑमलेट। रेव, आई पुट चॉकलेट ऑन योर ब्रेड। कम ऑन रेव, तुम्हें ब्रेकफास्ट कितना पसंद है? प्लीज बात मत करो, लेकिन खा तो लो। ये इग्नोरिंग गेम इज वर्स। इससे बेटर है लड़ाई, झगड़ा, मारधार, बट उससे भी वर्स द विक्टिम कार्ड। ये वो ट्रम्प है जो किसी को भी हारा हुआ गेम जिता देता है। गुड मॉर्निंग जिया। जिया, आई मेड यू ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट जिया? नहीं चाहिए। जिया पता है ना, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील। खा लो प्लीज। आई एम लेट फॉर वर्क। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, एटलीस्ट देख तो लो। सी, ऑमलेट है, यू लव चॉकलेट, चॉकलेट एंड ब्रेड, जूस। जिया, जिया। ये वाली फोटो तो पहली वाली फोटो से ज्यादा अच्छी है। जिया सेन।
से इस स्टोरी भी शेक्सपियर वाला फील तो है. हैंड इन हैंड मिस्ट्री गर्ल. आई लाइक इट. वेरी नाइस. देयर द क्लू. इस सीक्रेट स्वीटहार्ट तक पहुंचने का हर ब्रेसलेट. और जब तुम्हें इस लड़की का पता चल जाए तो प्लीज उसे किसी लॉयर का नंबर दे देना. लॉयर? हाँ हाँ, अपने हेयर स्टाइलिस्ट को सू करने के लिए. गॉश, किसी हॉरर फिल्म का विग लगता है. लुक एट दैट हॉरिबल हेयर, डिस्गस्टिंग ड्रेस, बैड ब्रेसलेट. लव इज ब्लाइंड. अजहर को किसी साइकियाट्रिस्ट का नंबर दे देना प्लीज. आई मीन ही इज अ किंग. किसी थ्रोन पे बैठने के बजाय वो किसी पार्क बेंच पर बैठा है. तारा, he needs to improve. Please get me Azhar on the phone. I'm going to give him peace of my mind today. No, Diana. Diana, ma'am, this बात क्या है ना, this whole article की कौन लिख रहा है ना, और वो खुद एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, तो ये सब गलती से भी. नो, गलती आप कैसे गलती कर सकते हैं, आप तो गलती करते ही नहीं. बट अगर गलती से गलती हो गई. मैम प्लीज अजहर को मत बताइए आर्टिकल कौन लिख रहा है. डार्लिंग, आई थिंक यू अंडर वर्क प्रेशर. स्लीप. मैं अजहर को इस गर्ल से ब्रेकअप करने की एडवाइस देने वाली हूँ. हेलो, मुझे अरेस्ट किया जा रहा है. आपके न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपा था उसके बेसिस पर. व्हाट? क्यों? आई डोंट नो यार, इन्होंने जो कुछ भी पढ़ा उसके बाद में कुछ लोग उस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दे नो समथिंग अबाउट माय सीक्रेट. बट व्हाट सीक्रेट? आई जस्ट डोंट नो, आई हैव नो आईडिया. ओके, आप कौन से पुलिस स्टेशन में हैं? खार पुलिस स्टेशन. गुड. हेलो. ए अजनबी, तू भी कभी आवाज दे कहीं से. ए अजनबी. अरे अजनबी. ए अजनबी. अरे तू भी कभी. ए अजनबी. अरे आवाज दे. ए अजनबी. अरे दे ना रे आवाज. तू भी कभी इधर तो देख, गिटार साइड में लेके बैठा है रे ये. कमान मारा आवाज दे कहीं से. क्या बात है? What's up? Hi. Hi. Contestants, please sit. Why? Thank you. Okay. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ. थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग स्केड्यूल. इट्स बीन सुपर. बहुत ही जल्द शो एयर पे जाएगा एंड आई कैन गारंटी यू कि आप सब स्टार्स होंगे. एंड ऑफ कोर्स. हाँ, बहुत हो गया एसोसिएट प्रोड्यूसर जी, सर पे मत चढ़ाओ इन्हें. सो बच्चा पार्टी, अनाउंसमेंट ये है कि दिस स्केड्यूल इज ऑफिशियली ओवर. आप सब फ्यूचर स्टार्स अपना सामान पैक कर लो. ओके, बाय बाय, तक लिया. और हाँ, अगले स्केड्यूल की इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी, अपना फोन चेक करते रहना. बी अलर्ट. यू सी, इतना रूड होने की क्या जरूरत थी? ये हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, शो इन्हीं की वजह से चलता है. पर मैं सिर्फ साहिर को तो ना बोल रहा था, मैं तो सबको बोल रहा था. Just chill. Okay, firstly, ये contestants मेरे शो के टैलेंट्स हैं और सब equally important हैं. Secondly, हर बात पे साहिर को बीच में लाके आप सिर्फ ये प्रूव करते हो कि आपको पर्सनल होना ही आता है. तो तुम अग्री करती हो कि तुम और साहिर पर्सनल हो? You see, it's high time. सुधर जाओ. Take it easy. Relax. साहिर, हाय. एक सिग्नेचर चाहिए था तुम्हारा. ये तो किसी केटरिंग का बिल है. रियली? ये है तुम्हारा.
contract. Your contract? With me? Signature. मैं कुछ बोलूं? Please don't, Isha. Please. Please wait, please. Okay, Isha. मैंने तुम्हारे और मेरे बारे में बहुत सोचा. You and me tried really hard, ना? कि तुम और मैं हम बन सके. But I'm sorry, ऐसा नहीं हुआ. I'm really sorry. Sorry कि तुम मुझ पर कभी trust नहीं कर पाई. But for that, actually, I don't blame you. मेरा past है ही ऐसा कि मुझे नहीं लगता कि कभी भी तुम मुझ पर trust कर पाओ. नहीं तो और क्या रीजन हो सकता है कि मेगा की प्रेगनेंसी के लिए तुम्हें लगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल. साहिर, आई एम सॉरी. डजंट हेल्प इशा. तुम्हारा ट्रस्ट पाने के लिए मैंने सब कुछ ट्राई किया एंड आई डोंट नो अब मैं और क्या कर सकता हूँ. आई फील यूजलेस. नो. But I do, Isha. I feel useless. I feel helpless. I feel so sick of myself thinking कि जो person मेरे लिए सबसे ज़्यादा important है, वो Isha जैसे मुझे जितना गिरा हुआ low life opportunity समझती है. I feel sick and I can't live with that. मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी idiot हूँ. Please, थोड़ा time दो. We will. Movie, Isha. There's no we nahi, you will. You have to decide right and wrong. And I think this is the right time. अगर हम एक दूसरे के सामने नहीं रहेंगे तो better clarity मिलेगी. What do you mean? मैं कल यूज़ जा रहा हूँ. What do you mean, कल जा रहे हो? Yeah, मुझे भी कुछ क्लैरिटी चाहिए. And music workshop is the best thing. कल जा रहे हो और आज बता रहे हो? तो कब बताऊं? हम दोनों की बातें ही कहाँ होती है? खो गया, गुम हो गया, वक्त से चुराया था. अपना बनाया था. मैं साहिर को जाते हुए देख रही थी एंड आई न्यू दैट माय लव वाज वॉकिंग अवे. अजीब सी इनकम्प्लीट सी फीलिंग हो रही थी. अगर मेरे बेस्टीज का साथ होता तो शायद इतनी लोनली नहीं फील करती. आज पता चला कि ब्रेकअप के बाद कोई अपने बीएफएफ्स के पास क्यों भागता है. बट आज मेरे लिए वो भी पॉसिबल नहीं था. Yes. आप तो वही है ना जी अजहर जी की फैन. उस दिन आप लिपट शिपट रही थी बड़ा उनसे. ओह, तो तुम भी थे उस दिन. सॉरी, नोटिस नहीं किया. रेवती जी ने आपके बारे में बताया नहीं? वो क्यों बताया कि मेरे बारे में? आप फ्रेंड है ना उनकी? फ्रेंड मत बोलो. अगर यहाँ किसी ने सुन लिया ना तो यू विल बी किल्ड. अब नेवर माइंड. कम ऑन इन. कम. रेवती के फ्रेंड. थैंक यू जी. वैसे इस घर में ना नए वाले मेंबर को देख के ना फील गुड वाली फीलिंग आ रही जी. मेरे तरफ से ना बड़ा वाला हेलो जी. हेलो गुरु. हाथ छोड़. किसका फ्रेंड है? आपका जी. तो उसको हेलो क्यों बोल रहा है? फ्रेंड जी. फ्रेंड कुछ नहीं है. देखो पता नहीं हमने यहाँ पे धर्मशाला खोल रखी है. नहीं जी बताया नहीं. इतने क्यूट हो फिर भी इस परमानेंट शॉक ट्रीटमेंट के बालों वाले के साथ कैसे फंस गए? जी? कुछ नहीं. क्या रही हूँ? क्यों आया? जी मैं तो बस ये पूछने आया था कि कोई काम शाम मिला आपको? नहीं अभी काम नहीं मिला लेकिन मैं तेरे पैसे तेरे को वापस दे दूंगी यार. चिल. रेवती जी बात ना पैसे की नहीं है. मेरे पास ना सोल्यूशन है. क्या सोल्यूशन है रेवती जी?
ओह क्या शांति व्हाट चलो लोकअप में सर आप मुझे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए सर देखो जो कुछ बोलना है कोर्ट में बोलना चलो सर कोर्ट कचहरी सर देखिए अरेस्ट करना तो कर दीजिए लेकिन ये आप तमाशा मत बनाइए मेरा प्लीज सर मेरी बात सुनिए सर प्लीज इनके अगेंस्ट किसने कंप्लेन की आप मुझसे बात कीजिए ना मैं कुछ आप कौन है कट ओके गुड शॉट जी गुड शॉट ब्रो बट ये लास्ट वाला पार्ट इसको हम ड्रॉप कर देंगे और सर मेरी एक्टिंग सर आपने इतनी अच्छी एक्टिंग की आपने इंस्पेक्टर क्यों बना आपको तो एक्टर ही बनना चाहिए था कैसा लगा असली पुलिस स्टेशन में मेरा नकली सीन और उसमें एक्टिंग ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन ये एक्टिंग थी अगर ये एक्टिंग थी ना तो बहुत ही घटिया थी तू प्रपोज कैसे कर सकता है कैसे कर सकता प्रपोज रेवती जी आप बात तो सुन लो स्क्रू यू यार कुछ दिन काम नहीं मिला तो मतलब यू थिंक मैं तेरे से शादी कर लूंगी फिर घर बैठूंगी तेरे लिए खाना बनाऊंगी और फिर तुझे ही खिलाऊंगी रेवती जी रेवती जी मुझे खाना बनाना आता है मैं 18 साल की उम्र से इन दोनों हाथों के साथ ही खाना बना रहा हूं स्क्रू शट अप रेवती जी लोगों की शादी अपनी शादी नहीं रेवती जी लोगों की हां जी रेवती जी पार्टनरशिप हमारी आप डीजे तो मैं कैमरा आप लोगों को नचाओ और मैं नाचते हुए लोगों का वीडियो लूंगा आप ना ठंडे वाले दिमाग की तरह इसको सोचो मैं चलता हूं पार्टनरशिप जिया जिया प्लीज मेरी बात सुनो लिसन टू मी जिया मेरी बात सुनो प्लीज मिशेल अब कहाँ जा रही हैं आप कहाँ जा रही हैं Do you even realize कि हम जैसे कॉमन लोगों के लिए पुलिस स्टेशन में अरेस्ट होना कितनी बड़ी बात होती है आई नो दैट दैट्स व्हाई आई एम सरप्राइज्ड कि मेरे लिए यहां तक आ गए ऑफ कोर्स आई वुड कम आपने फोन किया कि आप ट्रबल में हैं लिसन आई नो यू आर अ ट्रू फ्रेंड और एक सच्चा दोस्त ऐसा करेगा अपने दोस्तों के लिए आई एम ग्लैड कि आपने मेरा दोस्ती का टेस्ट पास कर लिया टेस्ट आप होते कौन है मेरा टेस्ट लेने वाले Who gave you the authority? Chia, you need to... No! आप जैसे सेलिब्रिटीज के लिए ये सब चीजें हंसी मजाक होंगी, okay? Not for me, मेरे लिए real life situations हंसी मजाक नहीं है। हंसी मजाक? No! Leave me alone. जी, मेरे... जब ऐसी situations life में आती हैं, तो friends की need सबसे ज्यादा feel होती है। As sharing and caring is another name for friendship. रेवती और जिया दोनों मुझसे बात करना चाहते थे बट दोनों अपसेट भी थे सो दे डिडंट कॉल मी ईशा ईश कैफे रिव कैफे ईशा ईश ईश डूड यार देख के चला करना यार रिव क्या मेरी गलती क्यों यार डोंट टेल मी एसी फेक थी फेक नहीं था तो इमरजेंसी क्या है मेरे बेस्ट फ्रेंड्स खो गए हैं सिस्टरहुड इमरजेंसी प्लीज हेल्प मी फाइंड देम आई नो आई स्क्रूड अप मैंने झूठ बोला एक नहीं बहुत बार तुम दोनों पे ट्रस्ट नहीं किया आई एम सॉरी आई नो तुम लोग साहिर को हेट करते हो बट I love him. Please understand. मैं अपनी feelings share करने की कोशिश कर रही हूँ and he's the one for me. मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ guys. I know it's wrong. मेरे लिए, तुम लोगों के लिए और साहिल के लिए भी. जिया, जिया, please, एक chance. तुम दोनों से एक chance नहीं दे सकते. हमें एक chance नहीं दे सकते. हाँ हाँ दे दो चांस दे दो वरना ब्रेकअप काउंट 19 कैसे पूरा होगा तुम हमारे ब्रेकअप पे गिनती हो ऑफ कोर्स साहिर मुझसे कुछ नहीं छुपाता है वो मुझे सब कुछ बताता है इसीलिए तो तुम उसके लिए गलत हो 18 ब्रेकअप्स आफ्टर ऑल आई एम राइट मीखा तुम्हें जो करना है कर लो मैं साहिर पे गिव अप नहीं करूंगी वो तो फ्यूचर ही बताएगा
बट एज ऑफ नाउ तुम और सायर साथ में नहीं हो। मीखा तुम हम दोनों के बीच में आना बंद करो। बीच में तुम आई हो ईशा। अरे enough ya guys, तुम दोनों के साथ साथ ये हमारा भी घर है। जब देखो साहिर 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 so god damn irritating यार। मतलब हमारी लाइफ को फोकल पॉइंट ही बन गया है साहिर। Stop it. जी हाँ। Shut up. But seriously, I can't take this anymore. Just give us a break. Please. तुम लोग मेरी बात तो सुनो। ईशा, I think you should just give up. तुम और साहिर साथ में क्यों नहीं हो? There has to be a reason, no? उसे तुमसे ब्रेक चाहिए था, इसीलिए वो चला गया तुमसे दूर। Yes, I know तुम इंटेलिजेंट हो, बट आई थिंक इतने हिंट तुम्हारे लिए काफी होने चाहिए। तुम्हें बस साहिर को भूल जाना चाहिए। तुम्हें भूल जाना चाहिए मेघा। आई नो आई मेड मिस्टेक, लेकिन मैं उसे रेक्टिफाई करूंगी। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये समझेंगे साहिर मेरे लिए क्या है। और साहिर वापस आएगा। आई विल मेक हिम फॉल इन लव विद मी अगेन। I will.